मैथ्स का ट्रिक बहुत सारे आप लोगों को बताए होंगे कई सारे यूट्यूब चैनल में, लेकिन आज जो मैं मैथ्स का ट्रिक बताने वाला हूँ, ये जो है बड़े बड़े पहाड़ों को हम लोग टेबल कैसे करें इसके चीज को याद नहीं रहता कई बार। देखिए अब 28 का टेबल, 22 का टेबल किसी को पता नहीं होता, 36 का टेबल, 34 का टेबल, 78, 72, इन बड़े बड़े टेबल को आप लोग चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कौन सा है, मल्टीप्लाई बीच में दिया हुआ है, यहाँ पे नोटिस करना, ये जो हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ध्यान देना, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, मैं लेफ्ट हैंड साइड को दिखा देता हूँ पहले। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मान के चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्या है, इकाई, ये दहाई, आप लोग याद तो होगा बचपन में पढ़े थे अपन, वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये होता है ना, वही यहाँ पे इकाई दहाई। अब यहाँ पे दहाई अंक जो दिया आपका दो दिया हुआ है ना, दो का एक अधिक कर दो, दो का एक अधिक कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, उससे गुना कर दो किसका, दहाई अंक से, इसका दहाई अंक क्या दिया हुआ है, दो, कितना हो जाएगा, दो तीन छह, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सिक्स। और क्या करो उसके बाद, राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे इकाइयों का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे इकाई क्या है, इन दोनों का इकाई अंक दो है, यहाँ पे इकाई क्या है, यहाँ पे आठ है, तो यहाँ पे जो दो है गुना कर दो अब आठ से, कितना आएगा, आठ दो गुनी सोलह, तो इसका आंसर जो आने वाला है वो होगा सोलह। इट मीन्स टोटल मिला के आप अगर इसको लिखना चाहो तो यहाँ पे सिक्स वन सिक्स ये होगा इसका आंसर। सेकंड वाला का सेम अप्लाई करेंगे, मैंने क्या बताया, दहाई का एकाधिक, दहाई का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए तीन हो जाएगा, तीन में एक बढ़ा दो बराबर चार हो गया, गुना कर दो दहाई से, गुना दहाई बराबर कितना हो जाएगा, तीन सत्ते सॉरी तीन चौंक बारह हो गया, तो यहाँ पे इस साइड आ जाएगा बारह, ठीक है। और इस साइड क्या होगा, मैंने क्या बताया कि इकाइयों को गुणनफल, गुणनखंड कर दो, इकाई कौन कौन सा, यहाँ पे चार है, यहाँ पे छह है, चार और छह चार छक्के चौबीस होता है, ये हो गया आपका इसका आंसर। इसको और जल्दी करते हैं, मैंने क्या बताया, दहाई का एकाधिक आठ हो गया सात का, गुना कर दो दहाई से आठ सत्ते छप्पन, सेम यहाँ पे इकाइयों को गुणन कर दो, आठ दोगुनी सोलह, ये हो जाएगा इसका आंसर। यही चीज जो है आपके लिए बड़ा शॉर्टकट विधि होगा, अगर आप गुना करोगे तो लंबे गुना करना पड़ेगा, सात का पहाड़ा पढ़ोगे फिर एक क्रॉस करोगे फिर सॉरी आठ का पहाड़े के बाद सात का पहाड़ा पढ़ोगे फिर लंबा वीडियो बनता है, इसीलिए जो है ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो आपका बड़ा आसानी से बन जाएगा। मैं आपके लिए यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, मैं थोड़ा ध्यान देना इसको बना लेना, ये जो चार क्वेश्चन मैंने दिया आपको ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, अगर कहीं डाउट होगा कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका भी एक और वीडियो तैयार कर दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।